सुपरस्टार्स टाइमलाइन में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस ईशा गुप्ता के बारे में, जो कि एक ब्यूटीफुल और हॉट एक्ट्रेस है। ईशा गुप्ता एक भारतीय मॉडल और फिल्म अभिनेत्री है जो बॉलीवुड फिल्म राज 3D से सुर्खियों में आई। उन्होंने MX प्लेयर की वेब सीरीज आश्रम 3 में अपने हॉट और इंटीमेट सीन को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में रही। ईशा का जन्म 28 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ था। उनके पिता एक आर्मी ऑफिसर थे, जिसकी वजह से उन्हें अपना बचपन भारत के अलग अलग शहरों में बिताने का मौका मिला। उनका अधिकांश बचपन दिल्ली, हैदराबाद और देहरादून जैसे शहरों में बीता। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा ब्लू बेल्स इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली से की। उसके बाद उन्होंने मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन, मणिपाल यूनिवर्सिटी कर्नाटक से मास कम्युनिकेशन कोर्स पूरा किया। वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, जिसके लिए उन्हें न्यू केसल यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी मिली। हालांकि उनकी मां के कैंसर से पीड़ित होने के कारण उन्होंने अपनी कानून की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और भारत वापस आ गए। ईशा गुप्ता ने 2007 में फेमिना मिस इंडिया में भाग लिया, जहां उन्होंने तीसरे स्थान पर रहकर मिस फोटोजेनिक का खिताब जीता। उसी वर्ष उन्होंने मिस इंडिया इंटरनेशनल ब्यूटी प्रतियोगिता में भाग लिया, जहां वह शो की विजेता रही। ईशा को 2010 में किंगफिशर के कैलेंडर में भी दिखाया गया था। उन्होंने 2012 की बॉलीवुड फिल्म जन्नत 2 से अभिनय की शुरुआत की। फिल्म में उन्होंने इमरान हाशमी के साथ डॉक्टर जानवी सिंह तोमर का मुख्य किरदार निभाया। महेश भट्ट के निर्देशन में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। उसी वर्ष वह राज 3D और चक्रव्यूह जैसी फिल्मों में भी शामिल थी। उन्होंने बॉलीवुड हॉरर थ्रिलर फिल्म राज 3D में इमरान हाशमी के साथ संजना कृष्णा का मुख्य किरदार निभाया। यह फिल्म उनके करियर की सबसे बड़ी हिट साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। ईशा अब तक हमशक्ल, रुस्तम, कमांडो 2 और बादशाह जैसी बड़ी बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी है। फिलहाल वह अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के साथ हेरा फेरी 3 की शूटिंग कर रही है, जो जल्द ही रिलीज होने वाली है। फिल्मों के अलावा उन्होंने Z5 सीरीज रिजेक्ट एक्स और MX प्लेयर सीरीज नाकाम और आश्रम 3 में भी काम किया। उनका वास्तविक नाम है ईशा गुप्ता, निकनेम है ऐशु। उनका जन्म 28 नवंबर 1985 को हुआ। उनकी एज एज ऑफ 2023 37 ईयर्स की है। उनका जन्म स्थल दिल्ली, इंडिया है। वह धनु राशि से बिलोंग करती है। ईशा गुप्ता की मां का नाम रेखा गुप्ता है, जो एक प्रसिद्ध कवियत्री, अभिनेत्री और वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता है। उनके माता पिता के अलावा उनकी एक बहन भी है, जिनका नाम नेहा गुप्ता है। नेहा एक फैशन डिजाइनर है। ईशा की मैरिज की बात करें तो वह अभी अविवाहित है। उनके अफेयर के चर्चे बिजनेसमैन अरमान गुजराल और फैशन डिजाइनर निखिल थम्पी के साथ चल रहे हैं। हाल ही में वह स्पेनिश बिजनेसमैन मैन्युअल कैंपोस गेवेल के साथ रिलेशनशिप में है। ईशा गुप्ता की नेटवर्थ की बात करें तो उनकी नेटवर्थ लगभग 40 करोड़ से भी ज्यादा है। आश्रम वेब सीरीज के लिए उन्होंने करीब 2 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। उनके पास मुंबई में एक लग्जरी अपार्टमेंट भी है। इसके अलावा उनका दिल्ली में भी एक घर है, जहां उनके माता पिता और बहन रहते हैं। ईशा को कारों का भी बहुत शौक है। उनके पास BMW 5 सीरीज, 520D और स्कोडा सुपर्ब स्पोर्ट लाइन 80 जैसी लग्जरी गाड़ियां है। इसके अलावा वह yepme.com, कोलर और गार्नियर जैसे कई टेलीविजन विज्ञापन भी करती है, जिसके लिए वह करोड़ों रुपए चार्ज करती है। फैन फॉलोइंग की बात करें तो ईशा गुप्ता के इंस्टाग्राम पे 17.2 मिलियन फॉलोअर्स है।